सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आप सेबी से जुड़ना चाहते हैं वो भी एज अ मैनेजर, तो आपके लिए ना ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि सेबी ने मैनेजर पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाल दी है और जो उसका नोटिफिकेशन है ना वो भी रिलीज कर दिया है। एक और अच्छी बात यह है कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ibpsonline.ibps.in यहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और सिलेक्शन के बाद आपको करीब 90,000 की सैलरी मिल सकती है। तो पूरी डिटेल क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और साथ ही आपकी एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज बात हो रही है सेबी में मैनेजर पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। वेबसाइट हमने आपको बता ही दी है IBPS वाली, ठीक है। अब आपको हम ना एक बार क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। सो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास BA LLB की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना उसकी भी एलिजिबिलिटी रखी गई है, आप डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर लीगल की, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास BA LLB का जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। असिस्टेंट मैनेजर IT, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि जो इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं IT के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री हिंदी में होनी चाहिए आपके पास, और जो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का फील्ड है, जो ये पोस्ट है, उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, 4 सालों का आपके पास यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है कि भाई किस पोस्ट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहाँ पर हर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना वो अलग अलग लिखा हुआ है। आप अपनी प्रेफरेंस के अनुसार यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज लिमिट का भी बहुत ध्यान रखना होगा। एज की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स रखी गई है, अगर इससे ज़्यादा आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको 3 सेक्शन से होकर गुजरना होगा। एक तो प्री होगा आपका, एक मेंस होगा, और जो तीसरा है वो इंटरव्यू होगा। जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा यानी कि फेज 1 वाला एग्ज़ाम होगा, वो एक तरह से एलिमिनेशन वाला एग्ज़ाम होगा। उसके बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और जो मेंस में सिलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए आगे बुलाया जाएगा। सो अगर आप 3 चरणों को पूरा कर लेते हैं तो आपको अंत में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, तो आपके पास भेज दिया जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। अब आपको ना सिलेक्शन के बाद हम सैलरी भी बता देते हैं, क्योंकि पोस्ट अलग अलग है तो जाहिर सी बात है जो सैलरी है वो भी अलग अलग होगी, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है और एज भी अलग अलग है। सो अगर मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दूँ तो आपको 35,000 से लेकर करीब 90,000 तक की सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स होते हैं जो एक कर्मचारी को मिलते हैं वो सब भी आपको मिलेंगे। सो सेबी से जुड़ने का ये बहुत अमेजिंग मौका है, एज अ मैनेजर आप जुड़ सकते हैं, चाहे आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, चाहे लॉ की डिग्री हो, या फिर आपने CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया हो, आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। सबके लिए ये भर्ती है, और ख़ास तौर पर जो मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है वो इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। आपको याद रखना है 30 जून के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो आखिरी तारीख है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा सेबी से जुड़ने का। सो अभी वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेबी वैकेंसी 2024। कोई सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप मुझे कॉमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, या फिर आप उससे पहले डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए डिटेल उसमें अच्छे से और इजी लैंग्वेज में बताई गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई नौकरी के जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।